नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दोस्तों ने नौकरी का सपना देखा ठगा, ज्वाइनिंग लेटर आईडी कार्ड लेकर आगरा रेल मंडल ऑफिस पहुंचा छात्र, धक्का देकर भगा दिया। ग्वालियर में एक छात्र को उसके ही दो दोस्तों ने रेलवे में बाबू की नौकरी लगवाने का सपना दिखाकर ठग लिया है। दोस्तों ने रेलवे के एक बड़े अफसर से पहचान होने की बात कहकर छात्र को जाल में फंसाया। नौकरी लगवाने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की। छात्र ने 65,000 रुपए भी दे दिए और शेष राशि ज्वाइनिंग करते ही देने का वादा किया। कुछ दिन दोस्त छात्र को टहलाते रहे और उसके बाद रेलवे का एक आईडी कार्ड व ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। उसे आगरा रेल मंडल ऑफिस में ज्वाइन करना था। जब छात्र आगरा पहुंचा तो रेलवे ऑफिस से उसे जाली ज्वाइनिंग लेटर व आईडी कार्ड होने पर धक्का देकर भगा दिया। घटना साल 2021 की है। ठगी का पता चलते ही छात्र ने दोस्तों से रुपए वापस मांगे तो वह टहलाने लगे, लेकिन जब रुपए नहीं लौटाए तो एक दिन पहले छात्र आरोन थाने पहुंचा और शिकायत की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। शिवपुरी निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र देवीराम कुशवाहा साल 2021 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। ग्वालियर के आरोन थाना स्थित पाटी गांव में उसके रिश्तेदार रहते थे, जहां उसका अक्सर आना जाना रहता था। यहां उसकी दोस्ती धर्मेंद्र कुशवाहा और रामप्रकाश कुशवाहा निवासी पाटी से हुई थी। वर्ष 2021 में धर्मेंद्र और रामप्रकाश ने सुरेंद्र को बताया कि वह उसकी नौकरी रेलवे में लगवा देंगे। उनकी आगरा मंडल में पदस्थ एक बड़े अधिकारी से पहचान है। दोस्ती होने पर छात्र ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले धर्मेंद्र और रामप्रकाश ने उससे 1 लाख रुपए की मांग की। उस समय छात्र के पास इतने रुपए नहीं होने पर उसने 65,000 रुपए दे दिए और शेष रकम ज्वाइनिंग करते ही देने का आश्वासन दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे एक रेलवे का आईडी कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर दिया और बताया कि आगरा में उसकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग करने पहुंचा तो धक्का देकर भगा दिया। ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड मिलने पर सुरेंद्र खुशी खुशी ज्वाइनिंग करने आगरा रेल मंडल पहुंचा। यहां कार्यालय में पहुंचकर जैसे ही उसने आईडी कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर अफसरों को दिया, 1 मिनट में उन्होंने पता लगा लिया कि यह नकली है और इसका पता चलते ही अफसरों ने उसे वहां से धक्का देकर भगा दिया। वापस लौटने पर पीड़ित छात्र धर्मेंद्र और रामप्रकाश के पास पहुंचा और अपने 65,000 रुपए वापस मांगे तो वह जल्द वापस करने का आश्वासन देते रहे। अब काफी समय निकल गया तो ठगी के शिकार छात्र ने आरोन थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।